Right. Next heading. Specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Specific resistance को resistivity भी कहते हैं, ठीक है? इसका सिंबल क्या होता है? रो. इसको किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं. तो लेट वी हैव ए कंडक्टर. आप लेंथ है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. नंबर ऑफ फिलेट एंड कंपोनेंट वॉल्यूम ले लेते हैं एल. कितना? एल. नंबर ऑफ फिलेट एंड कंपोनेंट वॉल्यूम एल ले लेते हैं. एंड आप कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस आप मैग्नीट्यूड बी. करंट डेंसिटी इन कंडक्टर बिकम जे. करंट डेंसिटी कितना होता है? जे. तो करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये होगी आपका जे, ना? ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. अप्लाइड फील्ड जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है तो फील्ड अप्लाई होगा देयर विल बी फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ना? तो फील्ड की वैल्यू क्या ले लेते हैं? वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की ले लेते हैं. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. ठीक है, ई बाई जे का रेशियो क्या कहलाता है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. मटेरियल ऑफ द कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो ये ऐसे डिफरेंस हो जाएगी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी टू द करंट डेंसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट. ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर. Thank you.
बी अपॉन आई इनटू ए बाय एल, ए बाय एल। अब बी अपॉन आई क्या कर रहा था, आर कर रहा था आईटी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो रो इक्वल टू आर ए बाय एल हो जाएगा, है ना। अब से कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, देखिए रो की एक एक कंडीशन दी हुई है, रो की वैलिडिटी हम देख चुके हैं, तो अब इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल टू 1 मीटर, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इनटू 1 अपॉन 1, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, रो इक्वल टू क्या होगा आर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपने 1 मीटर रख दिया, एक वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, तो रो मान क्या हो जाता है आर हो जाता है, रो मान क्या हो जाता है आर, ना ठीक है। इस टाइप से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस है। इस केस में लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, तो आप एक ऐसा वायर लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो बताओ 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो 1 मीटर, ना। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है अपने वर्ड में, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिख दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1, ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर ने कही है बच्चे उस पर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ,